करें, एक दो बात कर लेते। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, पूरे 11 तो बज गए हैं, या मैं एक सेकंड उनको कॉल कर लेता हूं, उसके बाद फिर शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनका फोन। नहीं, मैंने सोचा कि आप थोड़ा बात हाँ जी, करेंगे हाँ जी, बसंत पंचमी और बाल वीर हाँ जी, हाँ जी, कर बाल लेते हैं शुरू। थोड़ा हाँ जो जाएगा। जी, नमस्कार विजय मैम, नमस्कार नमस्कार मैम। विजय। वो ना टीना को कोई लिंक भेज सकते हो इसी में से? आपको कह रही है कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ मैं भेज रही हूँ। हाँ जी भेज दो एक बार। डिपार्टमेंट से भेज दे। हाँ जी, हाँ जी मैम। आपने जिस व्यक्ति चलिए, मुझे लगता है हम इन लोगों को अपनी बातचीत तो आरंभ कर ही लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, उसी पे ही है सर, लिंक वही है, ज्वाइन कर लें बेशक। हाँ जी, हाँ जी, जी। आज के इस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, और हिंदी विभाग एवं हिंदी साहित्य परिषद सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला छावनी की ओर से ये आयोजित आज की संगोष्ठी के तीन पक्ष हैं। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तीन पक्ष हैं कि एक और तो ये उत्सव का दिन है, जिस दिन हम सारस्वत पूजन करते हैं, बच्चों के, नवजात शिशुओं के, जब उनका शिक्षण आरंभ करना होता है तो उनके जिह्वा के ऊपर शलाका से, सिलाई से जो है शहद में भिगो करके उसके चेहरे में, उसके जिह्वा के ऊपर ओम लिखा जाता है, तो उसकी दीक्षा आरंभ इसी दिन से होती है। ये उत्सव का दिन है, लेकिन साथ ही साथ बहुत विचित्र पक्ष इसका दूसरा ये है कि इसी दिन जो 13-14 वर्ष का एक बालक है, वीर बालक हकीकत राय, वो अपना बलिदान इस दिन देता है। तो ये दो बड़े विपरीत पक्ष हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो आयोजन है, हम सभी लोग उस वीर बालक हकीकत राय के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेकर के, तब तक हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ, उसको एक श्रद्धांजलि अर्पित करके, उसका स्मरण करके, उसके बलिदान को स्मरण करके, उसके बाद उत्सव के रूप में माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके, और फिर हम जो हमारा आज तीसरा आयाम, तीसरा पक्ष है आज के वेबिनार का, वो है वैद्य गुरुदत्त। उनके हम व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी दृष्टि, उनका दर्शन, उनके जो भी देखने और समझने की एक दृष्टि रही है, उसको आज हम विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन तीन पक्ष जो हमारे सामने इस वक्त उपस्थित हैं, तो सबसे पहले वाला जो पक्ष है, वो बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों के साथ मिलकर के आदरणीय
माननीय, क्या शब्द इस्तेमाल करूं उस बालक की धर्म के प्रति जो निष्ठा है उसके प्रति, कि उसने धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया। और क्या उम्र होती है इतनी छोटी, जिसमें हम लोगों को तो इतनी उम्र में आके भी धर्म की समझ नहीं आती, और फिर भी वो बच्चे जो 1719 में पैदा हुआ और 1734 में ही अपने जीवन का उसने त्याग कर दिया अपने धर्म के लिए, उसको क्या धर्म की समझ होगी और क्या उसकी निष्ठा होगी। लेकिन जो कर्म उसने किया उससे तो ऐसा ही लगा कि उसको अपने धर्म को जीना आ गया था। और हम अति बौद्धिकता में धर्म को खो देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा धर्म क्या है। एक क्षण। हाँ जी डॉक्टर साहब, दोबारा भेजूं व्हाट्सएप पे? नहीं नहीं पीडीएफ नहीं, मैं उस पे व्हाट्सएप पे भेजूं ना आपको? हाँ जी, हाँ जी भेज रहा हूँ। एक सेकंड में उनको दोबारा लिंक भेज दूं और वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे, आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर विजय शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग की, वो उनका स्वागत करेंगी और उनका परिचय देंगे, और उसके बाद फिर सीधे हम विषय पर आ जाएंगे। लेकिन तब तक पंजाब के सियालकोट में 1719 में जन्मे इस वीर बालक हकीकत राय, जो कि बहुत कुशाग्र बुद्धि बालक था, जिसने 5-7 वर्ष की उम्र में जो है संस्कृत इतिहास आदि विषयों को थोड़ा बहुत जान लिया था, 10 वर्ष की आयु में जब वो फारसी पढ़ने के लिए मौलवी के पास मस्जिद में उसको भेजा गया, तो वहां पर मुसलमान छात्र बालकों के साथ हिंदी देवी देवताओं को लेकर के जो थोड़ी बहुत बहस हुई, उससे जो उसने प्रतिवाद किया, जो उनके कुतर्कों का उसने उत्तर दिया, और उससे परेशान होकर के उन्होंने मौलवी को शिकायत की उस बालक की, जिसके बाद उसको बहुत प्रताड़ित किया गया और ये कहा गया कि इसने बीवी फातिमा को गालियां दी है। और इससे मौलवी नाराज हो गया, और वो युग भी ऐसा ही था, तो उस मौलवी ने आगे शिकायत काजी को की, और काजी ने शरीयत के अनुसार उसके सामने दो ही ऑप्शन रखे कि या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मृत्यु दंड इसके लिए है। और वो बालक अपने माता पिता सगे संबंधियों के कहने के बावजूद उसने वो इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और अपने प्राण उसने इस दिन जो है वो बलि, भारत माँ के लिए बलि चढ़ा दिए। 1947 में जब भारत विभाजन हो गया, उसके बाद बटाला में उनका मंदिर स्थित है, और वहीं पर उस साथ में ही उनकी पत्नी सती लक्ष्मी देवी का भी समाधि है, क्योंकि उसके बाद उनकी पत्नी भी बहुत देर जीवित नहीं रही। और वहां मेला लगा करता था गुरदासपुर जिले में, जो ये बटाला पड़ता है। और इस बालक के ने बहुत प्रभावित किया है उस वक्त के हिंदुओं को और बाकी सब लोगों को,
और पंजाबी में कई सारी कविताएं, इस पंजाबी में लोकगीत और कई कविताएं जो हैं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्योंकि समय का यहाँ पर अभाव है इसलिए ज्यादा उस विषय में मैं नहीं जा रहा। लेकिन इतना निश्चित है कि महाराजा रणजीत सिंह ने भी वीर बालक हकीकत राय को एक्नॉलेज किया। उसके बाद बंगाली लेखकों ने भी इस बालक के बारे में जो है अपनी इसकी कथा को लोकप्रिय बनाया। और सबसे बड़ी बात, आर्य समाज ने हकीकत राय को लेकर के इसके ऊपर धर्मवीर नाम से एक नाटक भी अपने समय में जो है वो प्रिंट करवाया, लिखा, और उसकी प्रतियां जो हैं वो निशुल्क वितरित भी की। तो बहुत सारी ऐसी और बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं जो हमारे लिए एक बड़ा गर्व का भी दिन होता है, लेकिन अफसोस के साथ, एक दुख के साथ हमें गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि ऐसे बालकों को भी जिस देश में अपना बलिदान देना पड़े तो वो देश निश्चित रूप से उसे पुनः विचार करना चाहिए कि वो किस स्थिति में जी रहा है। लेकिन आप सब की ओर से, अपनी ओर से, हिंदी विभाग की ओर से मैं वीर बालक हकीकत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक सेकंड रवि जी, फिर हाँ रवि जी जुड़िए। नेक्स्ट, एक सेकंड सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सेकंड रुकें आप। हाँ, ये आप होल्ड करें एक सेकंड। ये चलिए आप ज्वाइन करिए। सर मैंने अभी भेजा आपको लिंक दोबारा। हाँ मैं कर रहा हूँ सर। आप फोन डिस्कनेक्ट कीजिए। जी जी नमस्कार। जी अब हो गए सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है जी क्षमा चाहता हूँ विलंब के लिए। हाँ, तो हम लोगों ने आपकी अनुपस्थिति में बिना किसी औपचारिकता के हम लोगों ने वीर बालक हकीकत राय के प्रति अपने प्रणामांजलि अर्पित की है, हिंदी विभाग और हिंदी साहित्य परिषद ने। तो जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, और दूसरी ओर जो वसंत पंचमी का दूसरा जो पक्ष था, मैं जल्दी से उस विषय पर एक बार आ जाऊं और उसके बाद मैं मैडम विजय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता के बारे में बातचीत करें, और फिर उसके बाद हम सीधे सीधे जो है आज का जो वैद्य गुरुदत्त हमारा मुख्य विषय है उस पे हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो वसंत पंचमी का उत्सव, जैसे कि मैं बहुत शुरू में ही कह आया था कि क्योंकि हमारी ज्ञान के प्रति निष्ठा बहुत अधिक है भारतीयों की, तो उस ज्ञान में एक जो उसमें सौंदर्य आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी वस्तु नहीं रही, और हम सभी लोग जो हैं वो ज्ञान के प्रति व्यवहार वस्तु की तरह करते हैं, तो उस से बचने के लिए जो है वो सरस्वती की स्थापना की गई। हालांकि इसके साथ जुड़े हुए कर्मकांड और बाकी सब चीजों में और कथा कहानियों में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मूल तत्व की बात ये है कि हमारे ज्ञान में एक प्रकाश बना रहे, उसमें संवेदनशीलता बनी रहे, वो ज्ञान हमारी चेतना को कहीं कॉन्स्टिपेट ना कर दे, उसको कहीं उसके गर्दन ना घोंट दे, इसीलिए ये पर्व, ये उत्सव मनाए जाते हैं। पर्व और उत्सव मनाने का कोई तरीका ये नहीं होता है कि आप हर बार जो है वो खाने पीने के ऊपर ही जोर देंगे। वो ये है कि आप अपने ऊपर जो साल भर में जमी हुई जो विभिन्न प्रकार की शब्दों की, भावों की, विचारों की मिट्टी है, उसे झाड़ें और फिर
सूरज के समान आप फिर से प्रफुल्लित और खिल जाएं। इसीलिए प्रकृति जब खिलती है तो उसी के साथ अब हम एक जी तो इस सारी स्थिति को समझते हुए कि हम लोगों की जो ज्ञान के प्रति निष्ठा है उसका ये एक जो प्रारूप हम लोग सामने देखते हैं कि सरस्वती के हाथ में स्फटिक माला, उसके साथ वीणा और ये सारी बातें, उनको जिस तरह के हम वस्त्र और बाकी सब चीजें उपलब्ध कराते हैं, वो सारा का सारा क्या है कि हम एक बार अपनी कमिटमेंट ज्ञान के प्रति, और वो ज्ञान भी कौन सा, वो ज्ञान जिसमें जागृति है, जो जागा हुआ है, जिसमें सरलता है, जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें संवेदनशीलता है, हम सभी लोग, हम भारतीय ऐसे उस ज्ञान के प्रति अपनी निष्ठा का भाव व्यक्त करते हैं। ये मिथक और प्रतीक दोनों के संबंधों का बहुत खूबसूरत दिन आज का दिन है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए भगवती सरस्वती जिसके लिए ऐंग जो बीज है, प्रतीक बीज जो है वो ऐंग है, उसके माध्यम से आप सब की ओर से और अपनी ओर से प्रणामांजलि अर्पित करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विजय जी को कि वो आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। मैडम विजय आपकी आवाज मैडम विजय आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार बोलिए। नहीं, कोई नहीं, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप जुड़ जाइए, हो सकता है कई बार कई इश्यूज होते हैं, डिस्कनेक्ट करके दोबारा जुड़ लीजिए। आवाज जी अब क्लियर है। ओके, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारे वेबिनार का विषय है वैद्य गुरुदत्त, विलक्षण राष्ट्र प्रेमी बौद्धिक योद्धा। वैद्य गुरुदत्त उपन्यास जगत के बेताज बादशाह थे। उन्होंने ना केवल उपन्यास लिखे बल्कि तत्कालीन सभी समस्याओं पर खूब लिखा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य हिंदी में लिखा और हिंदी की बहुत ही महती सेवा की है। इसके लिए हिंदी संसार उनको सदैव स्मरण करेगा और आज हम भी उसी उद्देश्य से उनको याद कर रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय रविशंकर जी। मैं आप सभी का उनसे परिचय कराती हूँ। रविशंकर जी सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली के निदेशक हैं, सभ्यता संवाद नामक शोध पत्रिका के संपादक हैं। आप मूलतः झारखंड के धनबाद शहर के निवासी हैं। रसायन शास्त्र में बीएससी ऑनर्स किया है और भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है। गांधी एंड थॉट में स्नातकोत्तर किया है
और स्वामी जगदीशानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में उनके शिष्य आचार्य परमदेव मीमांसक के सानिध्य में आपने वेद विद्यापीठ गुरुकुल में संस्कृत का भी अध्ययन किया है। पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे भारतीय ज्ञान विज्ञान जिसमें आयुर्वेद कृषि ज्योतिष आदि शामिल है, इस पर पिछले 15 वर्षों से अध्ययन शोध और लेखन का कार्य आप कर रहे हैं। कई पुस्तकें आपने लिखी और संपादित की हैं। पहली पुस्तक है राष्ट्रवादी पत्रकारिता, जो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। आपकी दूसरी पुस्तक भारत में यूरोपीय यात्री उद्देश्य वर्णन और यथार्थ है, जो प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तीसरी पुस्तक ऐतिहासिक कालगणना सभ्यता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित जो भारत वैभव में शोध, वो आप उसके आप परामर्शदाता रहेंगे और उसमें दो अध्यायों का आपने लेखन भी किया है। गाय के आर्थिक वैज्ञानिक और पर्यावरणीय आदि विभिन्न आयामों पर 5 खंडों के शोध ग्रंथ का संकलन व संपादन आपने किया है। चाणक्य पथ पुस्तक का संपादन और उसमें एक अध्याय का लेखन आपने किया है, जो धरोहर प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। आयुर्वेद पर भी आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है। आज हमारे बीच आप जैसे वक्ता और आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति जो है और अनेक क्षेत्रों का ज्ञान जिन्हें है हमारे मध्य है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आपका सारगर्भित जो ज्ञान है और इस विषय पर खासकर आपकी जो विशेषज्ञता है, विशेषज्ञ हैं आप अपने विषय के, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गुरुदत्त इतने अच्छे उपन्यासकार जिन्होंने 200 से अधिक उपन्यास लिखे और भारत की उस समय की सभी समस्याओं को उन्होंने अपने उसमें व्यक्त किया, लेकिन हिंदी और समाज ने उनको वो सम्मान और वो जो कहते हैं आप पद नहीं दिया, वो स्तर नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। तो आज आपके मुख से वो सब सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ अपनी बात करने के लिए, आदरणीय रविशंकर जी से मेरा निवेदन। हाँ, इससे पूर्व मैडम वो बात शुरू करें, निश्चित रूप से मैं एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये विषय चुना गया तो उस वक्त हमारे मन में यही था कि बहुत देर से हिंदी में कुछ इस तरह का व्यवहार चल रहा है जहां पर जो बड़े स्पष्ट सोच समझ वाले लोग थे, जिनका भाषा भाव और विचार के ऊपर बहुत सुंदर पकड़ थी और उनका समन्वय था, उनके पास अपने एक दृष्टि थी मनुष्यता को लेकर के, वो सारे के सारे हाशिए पे धीरे धीरे चले गए। अब उसके पीछे किस तरह से ये सारे परिवर्तन आता चला गया, ये एक अलग विषय है जिस पे फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन मैडम विजय ने बिल्कुल ये ठीक कहा कि जो उनको स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि 60 से 70 के दशक में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि उन बहुत पॉपुलर वो उनके उपन्यास रहे हैं, बहुत शिद्दत से उनको पढ़ा जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो जो बदलाव आना शुरू हुआ और उसमें आते आते जो है वो गुरुदत्त को जो है, गुरुदत्त क्या और बहुत सारे जो इस तरह के विचारक साहित्यकार थे उनको हाशिए पे डाल दिया गया और धीरे धीरे हाशिए से भी उनको बाहर कर दिया गया। तो ये एक जो एक तरीका था नैरेटिव बदलने का, डिस्कोर्स बदलने का, वो बड़ा मन को एक कष्ट देता था। तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो कि इसके ऊपर अधिकृत रूप से बातचीत कर सकता हो। और गुरुदत्त को जब मैंने बीए के स्तर पे जब पढ़ा था तो तब की बातें तो और थी, लेकिन वो 2-3 उपन्यास पढ़ना कोई किसी भी लेखक को जानना और समझना नहीं होता। तो ये सौभाग्यवश मैं कहूँगा इसको कि रविशंकर जी से मेरा परिचय हुआ। और ये जो कई फॉरेनर्स के जो लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और भविष्य में, निकट भविष्य में मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हिंदी विभाग इनके साथ जरूर टाई अप करें, क्योंकि जो यूरोपियंस जिनके साथ इनकी बातचीत है, जिनके ये लेक्चर्स अपने संस्था में हर सैटरडे के करीब करवाते हैं, और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, अगर कोई टाई अप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए।
लेकिन मूल बात केवल इतनी ही थी कि गुरुदत्त जैसे जिनकी दृष्टि सामाजिक समस्याओं को लेकर के, दार्शनिक बातों को लेकर के, साहित्यिक बातों को लेकर के, मनुष्यता को लेकर के, जो जिसमें एक बड़ी सजगता दिखाई देती है, निष्ठा दिखाई देती है, और इस धरती पर वो कोई आरोपित नहीं थी, जिस तरह का नेहरूवाद और बाकी वाद ला करके थोप दिए गए, उसके खिलाफ ये एक विद्रोह था, बड़ा सजग विद्रोह आपको देखने में मिलेगा। और जहां तक मुझे ध्यान है कि शायद विश्वासघात शायद उनकी एक ऐसी पुस्तक थी जो शायद बैन भी हुई है, लेकिन ये ना हो तो उनकी पुस्तकें बैन भी हुई है, क्योंकि वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री और जो पार्टियां हैं उनके वो नितांत अनुकूल किसी नहीं थी। तो कुल मिलाकर के ये मैं एक भूमिका के रूप में बात कहना चाहता था कि निश्चित रूप से गुरुदत्त के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, और बहुत देर की ये इच्छा थी कि गुरुदत्त और उस तरह के अन्य जितने भी हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, उनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं, तो निश्चित रूप से उनको कोशिश करें हम एक सिलसिलेवार इस तरह का कार्यक्रम आरंभ करके कि हिंदी के उन साहित्यकारों से हम परिचित करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास एक बार प्रकट करें, उनके बातों को समझें कि जिस तरह से ऐतिहासिक उपन्यासों को उन्होंने लिखा है या और दृष्टि को ग्रहण किया है, उन लोगों को हम सिलसिलेवार लाएं। तो आज की मुझे लगता है कि ये पहली कड़ी है, और जल्दी ही हिंदी विभाग की ओर से दूसरी किसी कड़ी में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, या तीसरी कड़ी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इसी तरह से कोई ना कोई हमें और सुनने को जरूर मिलेगा। और मैं उसके लिए धन्यवाद जरूर करूंगा हिंदी विभाग का और मेरे सब साथियों का कि उन्होंने ये उत्साह दिखाया, ये एक कमिटमेंट दिखाई कि इस तरह के विषयों को भी वो अग्रसर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि जी का पुनः स्वागत करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ कि आज का वो विषय लगभग अगले 35-40 मिनट में जो है वो लेंगे, ताकि उसके ऊपर फिर चर्चा की जा सके। सर सरस्वती बाजे विवादिनीवती यज्ञं वट्टो दियावसु योदयित्री सोनृते मृगाणां चेतन्ति सोमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो वर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतूना धियो विश्वा विराजति। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी और डॉक्टर सरयू शर्मा जी, मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपने मंच से मुझे अवसर दिया, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैं जिनके लेखन से और जिनके पुस्तकों को पढ़ करके मेरा मानसिक, मैं समझता हूँ आज की जो मेरा बौद्धिक स्थिति है, उसका जो विकास हुआ है, उसमें जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे वैद्य गुरुदत्त जी के ऊपर बोलने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। वैद्य गुरुदत्त भारत के एक ऐसे लेखक हैं, जैसा कि अभी भूमिकाओं में ये बात कही जा रही थी, डॉक्टर विजय जी ने भी कहा, डॉक्टर आशुतोष जी ने भी कहा, उन्होंने अद्भुत लेखन किया है वैदिक गुरुदत्त, लेकिन भारतीय साहित्य जगत में उनकी चर्चा कम हो। जबकि जैसा अभी आशुतोष जी बता रहे थे कि पुस्तकालयों में 60 के दशक में, 70 के दशक में उनकी पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में जाती थी, लोग पढ़ते थे, क्योंकि मैंने भी जो उनके प्रारंभिक उपन्यास पढ़े वह राजकीय पुस्तकालय से लेकर 90 के दशक में, वो वहां पर मुझे तो जो लेखक जनता में लोकप्रिय, लेकिन फिर भी उसको साहित्य जगत में याद न किया जा, ऐसा क्यों? तो यदि हम इस बात पर विचार करना प्रारंभ करते हैं, तो मैं दो जो बातें हैं उस पर उसकी ओर ध्यान दिलाऊंगा। एक 90 के दशक में यूरोप अमेरिका में, दरअसल यूरोप अमेरिका जो है वह भी यूरोप का ही एक स्वरूप, आज जो अमेरिका है, आज जो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, कनाडा है, ये सारे जो देश हैं, प्रकारांतर से इसको जो एक लेखक है
इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस के लेखक रॉबर्ट क्रॉस्पी इनको नियो यूरोप कहते हैं, क्योंकि यूरोप के लोग वहां जाकर बसे और उन्होंने वहां अपना राज्य बनाया है, तो वो है यूरोप। तो अमेरिका हम कहते हैं उसमें यूरोप शामिल होता है, सिद्धांत दिया 90 के दशक में। उन्होंने कहा कि राज्यों के युद्ध बहुत हो रही है, अब जो युद्ध होते हैं सभ्यताओं के युद्ध होते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। तो इस पर बहुत ही चर्चा हुई पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हुई और सब जगह इस बात को उठाया जाने लगा कि वास्तव में अब तो संघर्ष होंगे तो सभ्यताओं का संघर्ष होगा। लेकिन आप देखिए उससे काफी पहले वैद्य गुरुदत्त की यह पुस्तक है और यह पुस्तक इसमें उल्टा आ रहा है, इसमें इसका नाम है दो लहरों की टक्कर। अब ये दो लहरों की टक्कर उन्होंने उस वक्त लिखी, ये जो लहरें हैं ये उसी को इंगित कर रही है जिसको सैमुअल हंटिंगटन इंगित करना चाहता है। लेकिन वह जो संघर्ष की बात कर रहा है वह संघर्ष वह नहीं है जो वैद्य गुरुदत्त बता रहे हैं, थोड़ा सा क्योंकि हंटिंगटन के चर्चा और विमर्श के केंद्र में केवल और केवल यूरोप है और कुछ नहीं है। लेकिन जो वैद्य गुरुदत्त का चिंतन है उसके केंद्र में भारत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ संपूर्ण मानवता धर्म है, संस्कृति है। वह केवल किसी एक भूखंड की चिंता नहीं कर रहे हैं या एक भूखंड में रहने वाले मानव समुदाय की चिंता नहीं कर रहे हैं, वह संपूर्ण मानव समाज की। इसलिए यह अंतर वो होते हुए भी बात वह कहीं ना कहीं आती है तो जो सभ्यताओं के संघर्ष की बात की जाती है, सभ्यताएं संघर्ष कैसे करती है, ये विचारों का संघर्ष हो रहा है। एक विचार जो आ रहा है दूसरे विचार को स्थापित करना चाह रहा है, विस्थापित करना चाह रहा है, उसको हटाना चाह रहा है और वहां पर अपना विचार, उस विचार को उसके आधार, उस पर आधारित जीवनचर्या को, जीवन शैली को, उस पर आधारित पूरी मानसिकता को आरोपित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष के संदर्भ में यदि हम इसको कहें, इसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं, औपनिवेशीकरण। तो भारत के ऊपर जो उपनिवेश बनाया गया भारत को, वह एक तो भूखंड को तो बनाया ही गया लेकिन मानसिक उपनिवेश बनाने का काम जब मैकॉले के समय, या उन्होंने देख लिया था भारत की जो मेधा है, भारत का जो चिंतन है, समाज है, वह बौद्धिक रूप से स्वतंत्र और उस स्वतंत्रता को अंग्रेज इसलिए सहन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसके स्वतंत्र रहते वो शासन नहीं कर सकते। उन्होंने बौद्धिक ट्रेडर्स खड़े किए अपने समाज में, ऐसे लोग जो उनकी सुप्रीमेसी को स्थापित करें, और ऐसे लोग धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। इसमें स्मरण करना चाहूंगा योगी अरविंद। अब देखिए योगी अरविंद दो भाई थे, अरविंद और बारिश, और उनके जो पिताजी थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों पर भारतीयता की छाया भी पड़े। वो उनका ये स्पष्ट मानना था, उस वक्त बंगाल के लगभग बुद्धिजीवी का यह स्पष्ट मानना था उस कालखंड में कि अंग्रेज एक सुप्रीम रेस है, श्रेष्ठतर प्रजाति है मानवों की, और भारतीयता, भारत के लोग जो है वो एक दीन प्रजाति, और इसीलिए अपने लोगों पर भारत की छाया तक नहीं पड़े। उन्होंने दोनों बच्चों को शैशवावस्था में ही बहुत अल्प आयु में यूरोप भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, वहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, अंग्रेज बनेंगे, भारतीय नहीं बनेंगे। ये उनका दुर्भाग्य था, दोनों बेटे भारत आते गए, जिस जो अंग्रेज बनने के लिए भेजा गया था उसका उन्होंने कठोर विरोध किया डीकोलोनाइजेशन के लिए, अरविंद एक हमारे लिए वीर के पद। उसी प्रकार क्या जो उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, अरविंद बच गए, बारिंद्र बच गए, क्या पूरा देश बच गया? नहीं, ऐसा नहीं। तो देश में वो उपनिवेशीकरण, मानसिक उपनिवेशीकरण वो इतना जबरदस्त है कि हम आज उसको बहुत ही गंभीरता से जीवन के हर पक्ष में अनुभव करते हैं। लेकिन हम उसको अनुभव तब कर पाएंगे यदि हम भारत के उन चीजों को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो उस कोलोनाइजेशन से मुक्त है, जैसे उसने एक बड़ा नाम वैद्य गुरुदत्त का आता है, तो वैद्य गुरुदत्त के जो उपन्यास हैं वो इतने लोकप्रिय होते हुए भी बाहर इसलिए रहे क्योंकि जो औपनिवेशिक रूप से मानसिक गुलाम जो लोग थे सत्ता में वो बैठे थे, उनके ऊपर वह औपनिवेशिकता इतनी हावी थी कि वो यूरोप के बाहर ना सोच पाते थे ना बोल पाते थे, और लेखन तो उनका बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं। और इसीलिए यदि यूरोप में नारीवाद का विषय चलेगा तो भारत के पूरे ये नारीवाद।
वहां पर कोई दूसरा विषय उठ जाएगा, यहाँ पर वो चल जाएगा। वहां एलजीबीटी का विषय उठेगा, भारत का साहित्य जगत एलजीबीटी नहीं। यूरोप क्या कर रहा है, उसकी नकल में भारत का समाज, वो जो भौतिक समाज था जो सत्ता में था, संपूर्ण समाज की बात नहीं कर रहा, जो सत्ता में था वह यूरोप की नकल में व्यस्त था। और इसीलिए वैद्य गुरुदत्त जैसे जो जुड़े हुए थे, शास्त्र परंपरा से जुड़े हुए थे, उनको समझते थे, उनकी कठोर उपेक्षा हुई और प्रकारांतर में धीरे कालांतर में धीरे धीरे उन्हें उस मुख्य धारा से काट के बाहर किया। गुरुदत्त का जो लेखन है उसको बाहर करने का एक और बड़ा कारण था, क्योंकि वो दो लोगों चीजों पर खुद हो रहा था। एक बहुत बड़ा नाम है वो है महात्मा, महात्मा गांधी के वो कठोर आलोचकों में से थे, और इसीलिए उनकी जो पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी वो मेरे ध्यान में पथिक, क्योंकि वो दूसरी थी, पहला था स्वाधीनता के पथ पर, दूसरा था पथिक, तीसरा था विश्वासघात, चौथा राज्यदान, पांचवा था देश की हत्या, और छठा उन्होंने लिखा दासता के नए रूप। ये क्रमबद्ध एक कहानी पांच उपन्यासों में चली, छठे ने उसी कड़ी में जरूर लिखा, वो पात्र वो नहीं रहे, बदल गए। तो पांच उपन्यास की एक श्रृंखला थी, पथिक जो था उनका प्रतिबंधित हो गया था, और महात्मा गांधी के जो उन्होंने इतनी कठोर आलोचक थे, निंदक नहीं थे, ये समझ में था, उन्होंने कहीं निंदा नहीं। उनकी पुस्तक आप पढ़िए भारत गांधी नेहरू की छाया में, गांधी की निंदा नहीं मिलेगी, नेहरू की निंदा नहीं मिलेगी, आलोचना मिलेगी, असत प्रमाण आलोचना मिलेगी। जो आलोचनाएं हैं उनकी बहुत प्रमाणों के साथ है, हर एक बात को कहने के लिए उन्होंने विधिवत उसका जो रेफरेंस है, जो उसका संदर्भ है, उन्होंने साथ साथ वो दिया है, उसका संदर्भ उसकी समालोचना है। और चूंकि वैद्य गुरुदत्त का जो जन्म था, मैं थोड़ा सा जीवन का पर हल्का सा प्रकाश डालूंगा, बाकी उनके साहित्य कहीं ज्यादा चर्चा करूंगा। उनका जन्म हुआ था 1894 में, 1894, और 1894 में जब जन्म हुआ था, आप समझिए जब स्वाधीनता संग्राम हम कह रहे हैं वो अपने चरम पे था, जब यह अपने उपान पे आ रहा था, यही हुआ। और इनकी एक पुस्तक है भाव और भावना, जो संस्मरण है उनके, उनके संस्मरणात्मक दो या तीन प्रकाशित हुए हैं, पहली भाव भाव और भावना है, दूसरा भाग्य चक्र है। भाव और भावना में उन्होंने यह बात बताई है कि किस प्रकार उनके जीवन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा, किस प्रकार उनका बचपन से वो युवा हुए, और उस क्रम में उस वक्त जो समाज की परिस्थितियां थी उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, आर्य समाज की गतिविधियां थी उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, हिंदू महासभा की गतिविधियां, यानी ये जो समाज में उथल पुथल मच रही थी, इससे वह बालक जो युवा हो रहा था, युवा गुरुदत्त, उसके मानसिक विकास में वो सभी कारक बन रहे थे। उन्होंने गांधी को प्रत्यक्ष देखा, उनके एक एक क्रियाकलाप को युवावस्था में वो देख रहे थे और उसको समझ रहे थे। और चूंकि वो केवल मूक दृष्टा मात्र नहीं थे, वैद्य गुरुदत्त ऐसा नहीं था कि केवल एक कलम कमरे में बैठ के कलम चलाने वाले पद लेखक मात्र, तो वह सक्रिय सहभाग भी कर रहे थे, क्योंकि वो आर्य समाज से जुड़े थे, उसकी बहुत सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वो काम कर रहे थे, उन्होंने एक और संस्था युवाओं की एक संस्था बनी थी, उससे भी वो जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सभी लोगों को समझ में आ जाता है, काल का प्रवाह ऐसा है, उनका विवाह हुआ, परिवार हुआ, और जो आर्थिक घटना, क्योंकि जिस कॉलेज में वो नौकरी करते थे, यह भी ध्यान रखने की बात है, उस समय के वो एनएससी केमिस्ट्री थे, उन्होंने केमिस्ट्री में एनएससी किया था उस कालखंड में, और केमिस्ट्री में एमएससी करना और उसको नौकरी मिलना तो बहुत सरल था, तो नौकरी मिल गई, और वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है जिस घटना के कारण उन्हें वह नौकरी छोड़ी। यह भी उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है, उनकी विद्रोह वृत्ति को भी दर्शाता है, और यह भी दर्शाता है कि कालांतर में उनका लेखन किस दिशा में जाने वाला है। तो जब वो नौकरी करते हुए वहां पर, चूंकि लैब का पूरा काम वो देखते थे, एक अंग्रेज जो वहां का अधिकारी था, उन्होंने उसको एक पत्र का टुकड़ा दिया था, इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ कितने मिक्स में है, मिकदार में उसको निकाल लिया। उन्होंने उसमें 3-4 दिन लगाया, बोले कि रात रात भर बैठ करके उसकी जांच करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें एक एक मिनट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो नोट करना पड़ता था। और वह सारा करने के बाद उन्होंने उसकी एक लिस्ट बनाई कि ये रिपोर्ट है इसकी, इसमें ये सब पदार्थ है, इतनी इतनी मात्रा में है, ये मेरे रिजल्ट है, उन्होंने दे दिया। उसने देखा तुरंत था कि नहीं, ये ऐसा नहीं आ रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, और इसमें कुछ और आ रहा है, मैं इसको वापस कर रहा हूँ, तुम फिर से करो इसको। फिर उन्होंने पूछ लिया कि सर ये है किसका है, उसने कहा तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपना काम करो। इन्होंने उसको उत्तर दिया कि मैं वह गधा नहीं हूं कि जिसके पीठ पे कुछ लदा है तो वो बिना जाने कि वह क्या लदा है तो चला जाए।
मुझे आप बताइए क्या है, मैं 3 दिन 4 दिन पूरा दिन रात लगा के काम कर रहा हूं, तो ये जो बात है या जो उनका प्रवृत्ति थी कि केवल मैं एक बौद्धिक व्यक्ति है ना, उसको आप केवल किसी तरह एक नौकर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद वो नौकरी छूटी और नौकरी छूटने का कारण यही नहीं था, नौकरी छूटने का कारण उनका खच्चर बनता था, जो उस वक्त एक असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें सहभागिता करनी थी, इसके कारण नौकरी छूटी और विधि अलग अलग नौकरियां करते हुए वो अंत में दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने वैद्य प्रारंभ की। इस वैद्यकी से, क्योंकि इसीलिए उनका नाम वैद्य गुरुदत्त है, क्योंकि वो आयुर्वेद के पढ़ाई करके और उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, अभ्यास किया, वो वैद्यकी उनका जो प्रोफेशन था वो वैद्य मेरी थी, यह करते हुए उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। दिल्ली में बैठे हैं, वैद्य की कर रहे हैं, सारा कुछ एक एक चीज देख रहे हैं। अच्छा, वो बहुत बार ऐसा इंप्रेशन जाता है, मेरे मन में भी पहले था कि संभवतः विभाजन के समय वो दिल्ली आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो विभाजन से काफी पहले दिल्ली आ गए, 40 के आसपास दिल्ली आ गए और यहाँ वैद्य की कर रहे हैं। तो वह जो विभाजन का दंश है, जो कहते हैं ना कि विभाजन में भाग क्या है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप मन में प्रतिक्रिया हो गई, उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं, वो उस घटना को बहुत ठंडे दिमाग से देख रहे हैं। और गांधी की जो आलोचना और वो ये है, तो पहली चीज जो गांधी की आलोचना जिसके कारण शासन ने उनको अपने से दूर रखा, दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है वह है वाम पंथ की, यानी जिस कम्युनिज्म की जो जबरदस्त आलोचना उन्होंने, यदि किसी को कम्युनिज्म का यह समझना जो वर्तमान ये मार्क्सवाद चल रहा है देश में, लेनिनवाद है चाहे जो भी है, वो उसको ठीक से समझना है कम्युनिज्म को, तो वैद्य गुरुदत्त की एक पुस्तक है धर्म तथा समाजवाद, वह पढ़े बिना हम उसको ठीक से। और वो उन्होंने केवल इसके लिए ये निबंधात्मक ग्रंथ ही नहीं लिखे, तो उनका सारे उपन्यास एक उपन्यास है विलोम गति, उल्टी गति, विलोम मतलब और गति उल्टी दिशा में चलना, यही कम्युनिज्म है। और इसको उन्होंने इतने अच्छे ढंग से स्पष्टता के साथ समझाया है और इसका विकल्प दिया है, वो कह रहे हैं इसका विकल्प है, इसका विकल्प क्या है, इसका विकल्प धर्म शास्त्र धर्म स्थापना है, समाजवाद जो है वो अधर्म स्थापना है, कम्युनिज्म ये अधर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, मानव की मूल प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहा है, धर्म मानव को उसकी मूल प्रकृति में लाने का और उसको ऊपर ले चलने का, ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए उनकी जो पुस्तक है धर्म के वो इतने कठोर आलोचन थे और उसको लेकर के उनकी धारणा इतनी स्पष्ट थी कि जब 60 के दशक में जनसंघ में ये चर्चा शुरू हुई कि गांधीवादी समाजवाद लाया जाए, तो यह और दीनदयाल उपाध्याय के का सामीप्य बड़ा था, उनका बहुत संपर्क बड़ा था, दोनों आपस में मिल करके कुछ राजनीतिक विकल्प खड़ा करने के दिशा में प्रयास कर रहे थे, और उसी क्रम में उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का नारा आया, एक समाजवाद हो लेकिन वो मार्क्स वाला लेनिन वाला नहीं होगा, वह समाजवाद गांधी वाला हो, लेकिन समाजवाद किसी भी रूप में हो वो समाजवाद ही होता है, उसका मूल चरित्र स्वभाव ही गलत है, इसलिए वैद्य गुरुदत्त ने इसका घोर विरोध किया। हमें मालूम होना चाहिए वैद्य गुरुदत्त जनसंघ के संस्थापकों में से, जब जनसंघ की स्थापना का विचार चल रहा था, इसीलिए वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम दिनों के साथी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करने कश्मीर जा रहे थे कि मैं बिना वीसा बिना ये परमिट लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि तो ये हमारा अधिकार है कि भारत के किसी भी कोने में हम बिना परमिट के जाएं, उस वक्त उनके जो साथ में जा रहे थे वो वैद्य गुरुदत्त, उन दोनों को वहां पकड़ा गया, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई है तो वहां वैद्य गुरुदत्त, तो उन्होंने से उन चीजों को देखा, वो जनसंघ के संस्थापकों में से थे और जनसंघ के दिल्ली चैप्टर के वो प्रधान थे, उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का विरोध, यह भी सोचा उन्होंने कि मैं संगठन में हूं, क्योंकि वो मैंने कहा ना वो मौलिक चिंतक मौलिक विचारक, तो वो किसी संगठन से बंध नहीं सकता जो मौलिक विचारक होता है, तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का भी विरोध किया, वो कम्युनिज्म के इतने जबरदस्त आलोचक, और उनके हरेक उपन्यास में जैसे दिखाऊंगा ये न्यायाधिकरण है, वैद्य गुरुदत्त का काफी पुराना उपन्यास है, और यह जब इसमें जो लिखा है उन्होंने वो इतनी स्पष्टता के साथ न्याय व्यवस्था की समालोचना आपको कहीं मिलेगी, आज जो न्याय व्यवस्था चल रही है उसके
जो जबरदस्त समालोचना वो इस उपन्यास की, इनका एक एक उपन्यास भारत की एक एक व्यवस्था को चित्रित करता है। जैसे जो मैंने अभी पहले नाम लिया था दो लहरों की टक्कर, और एक और उपन्यास में बताऊंगा जमाना बदल गया। दो लहरों की टक्कर और जमाना बदल गया, ये दो ऐसे उपन्यास हैं जिनका टाइम स्पैन कालखंड बहुत बड़ा है। तो लगभग 100 वर्ष की भारत वर्ष की पूरी परिस्थिति को वो उसमें सजोते हैं। अब वो बहुत मोटे मोटे उपन्यास हैं, ये दो लहरों की टक्कर का एक भाग है और ये दूसरा भाग है, दो भाग है। और जमाना बदल गया के चार खंड हैं ऐसे मोटे मोटे, चार है। और उसमें 1870 से लेकर 1950 या 60 तक की भारत में सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको उन्होंने रेखांकित किया है। उसको कैसे पीढ़ियां बदल गई, कैसे चीजें बदल गई, क्यों बदल गई, ये जो बदलाव आ रहा है वो इस पे उन्होंने बहुत चिंतन किया। और शोध शब्द मैं अभी प्रयोग नहीं करूंगा, उन्होंने चिंतन किया, बहुत विचार किया और उसके बाद एक पुस्तक लिखी स्व अस्तित्व की रक्षा। वह दो वॉल्यूम में है। स्व अस्तित्व की रक्षा में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि समस्या कहाँ है। तो उसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर विशेष चिंतन करके लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो शिक्षा से कैसे परिवर्तन हो जाता है, एक एक चीज बदली जा रही, वह हमारे मानस को परिवर्तित, और वो कैसा परिवर्तित कर रही है। आप देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा, अब उसमें दोनों बातें समझ में आए कि शिक्षा से जो परिवर्तन हो रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ये दोनों बातें समझ में आई। तो हम एक शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं, उसका नाम वह शब्द है जेनरेशन गैप। जैसे ही कोई बच्चे को हम लोग समझाने जाए वो कहेगा अरे आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, ये हमारी पीढ़ी की बात है। और यदि उसकी पीढ़ी की कोई बात है तो हम कहेंगे अरे अरे तू वो हमारी पीढ़ी की बात नहीं समझेगा, ये हमारी पीढ़ी की है, तुम्हारी पीढ़ी की है। लेकिन आप विचार कीजिए महाभारत में जब युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म पितामह के पास और बैठते हैं और कहते हैं मुझे कुछ बताइए, भीष्म पितामह नहीं कहते कुछ भी समझोगे तुम हमारी पीढ़ी के बाद के बाद के बाद की पीढ़ी के, नहीं कहते हैं। जब उसको समझाने बैठे हैं तो ये नहीं कहते कि आप तो मेरी पीढ़ी के नहीं है, बहुत पुरानी पीढ़ी के हैं, आपकी बात मैं नहीं सुन। हमारी पीढ़ियों में जेनरेशन गैप है, ये भारत वर्ष में घोर अनुपस्थित है, ये जेनरेशन गैप आज कैसे आ रहा है। तो इस बात को देखिए मनु स्मृति में कहा जाता है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो वसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो वलम्। वृद्धो वसे विना, वृद्धों का उपसेवन करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो ये जेनरेशन गैप आया था, यदि जेनरेशन गैप होगा तो वहां बैठेगा ही नहीं, हम समझ ही नहीं सकते, हम और संवाद नहीं कर सकते। ये जेनरेशन गैप आया उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, शिक्षा में परिवर्तन से। आज की जो शिक्षा है भारत की वह संपूर्ण कॉलोनियल शिक्षा है, यूरोपीय शिक्षा है। यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हुई है अलग अलग डिसिप्लिन में, उनको भारत में उन डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है। यदि भारत में राजनीति शास्त्र का विभाग है वह केवल और केवल यूरोप में 200-300 साल 400 साल में जो सिद्धांत चर्चा हुई, विमर्श पढ़ा हुआ, जो वहां पर बहसें हुई, जिन सिद्धांतों की स्थापना हुई वही पढ़ाए जाते हैं। 1779 में जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी का जो सिद्धांत लाए गए वो पढ़ाए जाते हैं, भारत वर्ष के सिद्धांत पढ़ाए ही नहीं जाते। जो हमारे बुद्ध सम्राट था, हमारे चाणक्य ने जो लिखा, जो रामंदर जी ने कहा, जो भीष्म पितामह ने कहा, जो उसके पहले राम कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, मनु जो कह रहे हैं, जो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, ये हमारे शिक्षा से गायब है। अब केवल राजनीति शास्त्र का विषय नहीं है, हर एक विभाग में यह गायब है। मैं सोचता हूँ हिंदी साहित्य को आप देखिए, यदि आप अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसमें मैं मेरे पिताजी इंग्लिश लिटरेचर में वो एमए किया था उन्होंने, तो मैं उनकी पुरानी पुस्तकें देखता था जब मैं घर पे रहता था। मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया, मैंने 95 में घर छोड़ दिया, तो उसके बाद जाना आना होता है, कम जाना आना होता है, साल में एक बार चला गया बस इतनी बार के लिए। मैं उनकी पुस्तकें देखता था, उसमें बाइबिल थी, इंग्लिश लिटरेचर में बाइबिल पढ़नी होती थी, शेक्सपियर पढ़ना होता था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ग्रीक से जुड़ी हुई थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो हिंदी का साहित्य है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ
आप के 4 ग्रंथों के कुछ अनुवाद भी हमने हिंदी में करके उसको हिंदी साहित्य में कहीं रखते हैं? हमने ना, हम उसको अपने देश की उस परंपरा से जोड़ते नहीं है। क्यों? हमारी जो शिक्षा है वो कॉलोनियल माइंडसेट से वहां उसको, इसीलिए बहुत बड़े विद्वान हैं, मैथमेटिक्स के, बेसिकली मैथमेटिक्स और भौतिकी फिजिक्स के विद्वान हैं प्रोफेसर चंद्रकांत राजू, उन्होंने किताब लिखी है एंडिंग एजुकेशनल इंपीरियलिज्म। तो शैक्षणिक साम्राज्यवाद जो भारतवर्ष में आज भी चल रहा है वो समाप्त नहीं हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है। आज मैं यदि एक सिंपल सी बात कहता हूँ, बहुत साधारण सी बात, कि जैसे ईसा मसीह एक मिथकीय चरित्र है इतिहास में, हिस्ट्री की किसी भी पुस्तक में ईसा मसीह नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उसका संबंध पढ़ाया जाता है। इसमें संबंध पढ़ते हैं, एडी एंड बीसी पढ़ते हैं। तो विक्रम को केवल किस आधार में आप खारिज करके विक्रम संबंध नहीं पढ़ाते, यह प्रश्न इतिहास क्या कोई विभाग का कोई व्यक्ति उठाता ही नहीं है कहीं? क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? हम साथ साथ दोनों पढ़ा दें, हम दोनों चीजें सामने में प्रस्तुत कर दें, हम अपने समाज को उस हमारी पीढ़ी के ज्ञान से वंचित क्यों कर रहे थे? जो जेनरेशन गैप है वो इसलिए आता है। वैद्य गुरुदत्त उस जेनरेशन गैप को इसमें बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, वो जेनरेशन गैप कैसे आ रहा है। ये दो उपन्यास इतने जबरदस्त हैं, दो लहरों की टक्कर और जमाना बदल गया, ये पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, हर युवा को। हर न्याय अधिकरण मैंने बता ही दिया आपको, ऐसे कई उपन्यास विलोम गति जैसे उस पर उन्होंने लिखा है, इतिहास पर उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, ऐतिहासिक उपन्यास बहुत सारे लिखे। जैसे एक उपन्यास मैं दिखाऊंगा विक्रमादित्य सहसा, अब विक्रमादित्य सहसा तो लड़कते पत्थर, ऐसे ढेरों उपन्यास पत्रलता जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे, और केवल पुस्तक लिखकर नहीं सकते उन्होंने आधार कर लिया, उन्होंने इतिहास में भारतीय परंपराएं ये भी उनकी पुस्तक है। उसके अलावा भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास आदि काल से रामोदय काल तक उन्होंने लिखा, और उसमें उन्होंने जो टाइम लाइन है उसको करेक्ट करने की कोशिश की, जो भगवत दत्त 13,000 साल में रुक गए थे, पंडित भगवत दत्त ने जो भारत का बेहद इतिहास लिखा है उन्होंने उसको केवल भारत के इतिहास को 13,000-14,000 साल पहले तक वो ले जा सके, इससे अधिक प्राचीन नहीं जा पाए वो, जबकि वो पुराणों के आधार पर लिख रहे। लेकिन वैद्य गुरुदत्त ने उसको वैवस्वत मन्वंतर के प्रारंभ तक वो लेकर के गए, और वहां वो लगभग 40 लाख साल पर, वैवस्वत मन्वंतर के प्रारंभ नहीं, इस चतुर्युगी के प्रारंभ तक लेके गए, 40 लाख साल तक पीछे लेके। तो इतिहास के उन्होंने लिखा, और ये जो आप देखेंगे ये इसकी भूमिका है, हर एक उपन्यास की भूमिका है बड़ी जबरदस्त। तो कई बार उपन्यास आप ना पढ़े उनकी भूमिकाएं पढ़ जाए, मुझे याद आता है दत्तोपन ठेंगड़ी जी की एक पुस्तक है उसका नाम है प्रस्ताव, उनकी कई सारी भूमिकाएं जो उन्होंने अलग अलग किताबों में लिखी उनको इकट्ठा करके प्रकाशित किया और उसका नाम रखा गया प्रस्ताव। मुझे लगता है वैद्य गुरुदत्त ने जो प्रस्तावनाएं लिखी हैं, जो भूमिकाएं लिखी हैं, इनको अलग से एक पुस्तक बनाना चाहिए, और वह पुस्तक अपने आप में बहुत ही उपयोगी और मार्गदर्शक पुस्तक हो जाएगी। जैसे यह देखिए जो प्राकथन लिख रहे हैं इसमें वो कहते हैं कि ये भारतीय लेखक यूरोपीय लेखकों की मानसिक दास्तान में फंसे हुए हैं, भारतीय ग्रंथों में लिखी बातें उनको लीजेंड्स अर्थात किससे कहानियां प्रतीत होती हैं, और गोली गोली खाल वालों की कई अनर्गल बातों को भी दबा के प्रतीत होती है। इस बात को जब आप देखेंगे, जब सेंट्रा कोटस को विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त कह दिया था तो बिना किसी प्रमाण के उसको सब लोगों ने मान लिया, वही बात ये कह रहे हैं, उसी की ओर इंगित कर रहे हैं। और जब उन्होंने विक्रम महाराजा विक्रमादित्य के पुरातात्विक साक्ष्यों को छोड़कर पूरा समाप्त करके उसको बिल्कुल उपेक्षा करके उसको इतिहास से गायब कर दिया, तो भी हमने किसी ने विरोध किया कि हालांकि राजबली पांडे जैसे जो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे लिखे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इतिहास की बात कही गई थी भारत के सामने। तो मैं जो ये कहता हूँ वो योद्धा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि शासन क्या समझेगा, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि जो साहित्य की अकादमियां बन रही हैं, बनी हुई हैं, वो हम मुझे कहाँ स्थान दे, उन्होंने ये परवाह नहीं किया कि क्या मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा, नहीं, उन्होंने केवल लिखा। और इसके लिए उन्होंने, जब उन्होंने उसको लग रहा था इस विषय को और प्रचारित करना चाहिए,
उसको एक संगठनात्मक स्वरूप देने का भी उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने एक संस्था बनाई शाश्वत संस्कृति परिषद, और शाश्वत संस्कृति परिषद की ओर से उन्होंने एक मासिक पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया जिसका नाम था शाश्वत वाणी। शाश्वत वाणी के नाम से उनका यह मासिक पत्र कई वर्षों तक प्रकाशित हुआ, जिसमें अशोक कौशिक, डॉक्टर अशोक कौशिक उसके ये संपादक थे काफी समय तक बाद में। और मैं नाम देना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी का, फरीदाबाद में राजेंद्र सिंह साहब थे। हालांकि बहुत ही अकस्मात और कम आयु में उनका देहांत हो गया, 67 वर्ष की आयु में। राजेंद्र सिंह जी ने वैद्य गुरुदत्त के साथ काम किया था और मैं उनको मिला, और मुझे खुशी है कि मैं मुझे कुछ समय मिला कि मैं राजेंद्र सिंह जी के साथ काम कर सका। वैद्य गुरुदत्त ने एक परंपरा खड़ी, एक पीढ़ियां खड़ी। केवल वो ऐसा नहीं था कि किताबें लिख कर छोड़ गए। आप देखिए राम स्वरूप बनाने आती थी, सीताराम गोयल, राजेंद्र सिंह, ऐसे जो कुछ बड़े लोग थे, इनकी जो इन लोगों को जो बौद्धिक प्रशिक्षण देने का काम वैद्य गुरुदत्त किया करते। तो वैद्य गुरुदत्त का जो क्लिनिक था वह कनॉट प्लेस में था, और वहां पर यह जमावड़ा होता था। वहां राम स्वरूप, सीताराम गोयल, राजेंद्र सिंह, अशोक कौशिक और भी ऐसे कई सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, और इस तरह तीन ही सारे विषयों पर वो चर्चा किया करते। वैद्य गुरुदत्त उनका मार्गदर्शन किया करते। और मैंने जब सीताराम गोयल जी का देहांत हुआ था वर्ष 2003 में, और उनके अंजलि सभा में जब बैठा था, वहां पर अभी जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक जी, उन्होंने उस विषय को बताया था कि किस प्रकार इन सभी के बौद्धिक जो गुरु है वो गुरुदत्त है। तो वैद्य गुरुदत्त केवल साहित्य नहीं रच रहे थे, वो हर किसी को अपने देश की पीढ़ी को उसके साथ संवाद करने का प्रयास कर रहे थे। उसको वह जो हमने जो सारे अपने शासकीय व्यवस्थाओं में से जिसको हमने बाहर कर दिया है, उस परंपरा को वह आगे बढ़ाना। तो शिक्षा कहते हैं वृद्ध संवाद को, वृद्ध का अभिप्राय होता है ज्ञान वृद्ध, जो हमारे पूर्वजों ने जो बौद्धिक है उसको हम अपने अगली पीढ़ी को सौंपे, यह हमारा शिक्षा का दायित्व होता है। क्योंकि शासन के अधिकार में शिक्षा है वह काम वहाँ नहीं हो रहा है, वैद्य गुरुदत्त के तौर पर यह काम मुझे लगता है वैद्य गुरुदत्त ने वह राष्ट्र को अच्छा की पुस्तकों का और मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे स्वस्थ की रक्षा की बात की मैंने, वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान राष्ट्र, वैसे उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है बुद्धि बनाम बहुमत। बहुत सारी पुस्तकें, जैसे अभी कहा 200 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, सभी उपन्यासों के हम नाम भी नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने जो काम किया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम उनकी पुस्तकों को पढ़ें, उनका ठीक से प्रचार करें, आज युवा पीढ़ी को पढ़ाएं, वाम मार्ग एक ऐसा उपन्यास है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैंने तो जो अपनी विचारधारा से नहीं है ऐसे लोगों को भी बोल, जो कांग्रेस से जुड़े रहे, जो वामपंथियों से जुड़े रहे, और उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ करके कहा कि वैद्य गुरुदत्त तो कमाल का लिखा है, मुझे हैरानी है इनको कहीं पर इनके चर्चा भी हम नहीं सुनते हैं। तो उनके ऐसे उपन्यास हैं जिनको लेकर के बहुत ही चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है ढेरों पीएचडियां की जा सकती है इनके उपन्यासों, उनके जीवन पर पीएचडी हो सकती है। हमें प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए कि इनके जीवन पर, इनके लेखन पर कुछ पीएचडियां हुई भी हैं, तो उस पर हम काम करें, उसको आगे बढ़ाएं, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है जो आज हम स्मरण करने बैठे हैं वो सार्थक हो सकेगा। आज सरस्वती पूजा का दिन है, वसंत पंचमी है, आज से भारत में मदनोत्सव प्रारंभ होता है जो 45 दिन तक चलता है। हम उस परंपरा के वाहक हैं, हम विद्या की उस परंपरा के वाहक हैं, तो उसको हम आगे बढ़ाएं, वर्ष भर इसको स्मरण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मैडम विजय। धन्यवाद सर। अभी इतना अच्छा लग रहा था कि रविशंकर जी को सुनते जाए, बहुत दिनों बाद इनके उपन्यासकार के बारे में इतनी अच्छी बातें। सच में आशुतोष जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये विषय और इतने अच्छे वक्ता से मिलवाया। और वाकई आज जो ये अपना विचारों का प्रदूषण है वो इसी वजह से है, जैसा रविशंकर जी ने कहा कि हमें कुछ अच्छा पढ़ने और अच्छी शिक्षा के रूप में जो चीजें हैं वो आगे नहीं आ पा रही है। हम भी अपने विद्यार्थियों को अगर कुछ कहते हैं समझाना चाहें या उनको कुछ अच्छा प्रेरित करना चाहें, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी है आज के समाज के लिए, जहाँ पर वैचारिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है
वो आपने इतनी अच्छी किताबों का नाम और कुंदन जी के इतने अच्छे उपन्यासों का नाम, इतनी अच्छी विचारों के साथ और समालोचक के रूप में आपने जैसे उनको कहा, जिन्होंने किसी उस वक्त भी किसी चीज से ना डरे, ना किसी चीज का लालच किया, ना शासन से डरे और ना किसी कहते आप सम्मान का लालच किया, और इस परंपरा को उन्होंने जीवित बिल्कुल रखा। बहुत अच्छा लगा। और हम पूरा हिंदी विभाग और सनातन धर्म कॉलेज आपके इस वाणी के लिए आपको साधुवाद देता है, और हम आगे भी आपसे सुनते रहे इस तरह के विषय और हमें प्रेरणा मिलती रहे, और ये दिया जो है पीढ़ियों का अंतर जो है वो खत्म होता रहे, क्योंकि पीढ़ियों का अंतर जब खाई ज्यादा बढ़ जाती है तो सच में उसको भरना मुश्किल हो जाता है। और हम शाश्वत जो आपने नाम लिया कितना सुंदर, शाश्वत संस्कृति परिषद, जो शाश्वत है उसको कैसे मिटाया जा सकता है। बहुत सुंदर, आपने शैली बहुत अच्छी थी और आपका विषय और आपने जिस तरह से इनको पकड़ा, वाकई आपके हृदय के बहुत नजदीक लग रहे थे गुरुदत्त। और हमें भी सच में आज के दिन मैं कहती हूँ कि है तो सरस्वती ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी ने प्रसाद दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपका भी जी और माइक हो गया उन सबका भी, और मैं माइक यानी कि जी आपको देती हूँ मंच। धन्यवाद मैम विजय मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा आशुतोष जी। अभी जी हम लोग सैयाह सुनामी पर रामजी दास बेनी गुरुदत्त की चर्चा करें, जी जी मेरे तो बहुत इच्छा है और मैं और सैयाह सुनामी पर बहुत कम उनके जीवन पर जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया, बहुत ढूंढा, तो जी बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैंने कुछ इकट्ठा किया एक लेख जो हमने प्रकाशित किया था। जी उन्होंने मूलतः उर्दू में लेखन किया है लेकिन उनकी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं और वो बहुत जबरदस्त उपन्यास, मतलब जी हिंदी में वैसे उपन्यास दुर्लभ है अच्छा मुझे लगता चलिए इसके ऊपर भी कोई ना कोई चर्चा रखेंगे। हालांकि मेरी है। आपको देते हैं सर, ये कहते हैं आप बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, तो हिंदी विभाग सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से हम ये श्रृंखला जो है वैचारिक श्रृंखला हाँ भी यही 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 मैं अपेक्षा कर रहा था। और सचमुच मैम मैं धन्यवाद करूंगा कि आपका विभाग, आपके सभी साथी मैम सरयू, डॉक्टर, अन्य सारे जो साथीगण हैं, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर लीना और अन्य सभी साथी मिलकर के इस तरह के विषयों की एक श्रृंखला आरंभ करें। मैं समझता हूं कि हमारा अपना भी उद्धार होगा, हमारा विचार विस्तार भी होगा और हम सचमुच हिंदी को सुप्रतिष्ठित और सुस्थापित कर पाएंगे। केवल भाषा नहीं है हिंदी, वो पूरा एक विचार प्रवाह है, एक विचार की संस्कृति है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा इस दायित्व को आप लोग स्वीकार कर लें, इसी तरह कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी को एक सत्र में ले लें, एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसी तरह स्वीकार कर रहे हैं, आज से हमने स्वीकार कर लिया है और सहयोगी हमें मिल रहे हैं, इतने अच्छे वक्ता हमें मिल रहे हैं, हम क्यों नहीं ये काम करेंगे, हमारा सौभाग्य है। तो जी हम आपके इस, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपने हमें इस लायक समझा तो हम इसे स्वीकार कर रहे हैं और श्रृंखला को हम टूटने नहीं देंगे। जी चलिए आखिरी एक तो मैम, अगर कोई वो लिंक आपने सर्टिफिकेट का बनाया है तो वो प्लीज शेयर करवा दीजिए चैट बॉक्स में। और अगर पुनीत सिंह जी ने अपना हाथ उठाया हुआ है, पुनीत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार, परिचय अपना पहले दे दीजिए और फिर आप अपनी बात, अपनी टिप्पणी जो भी है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का सर निवासी हूँ और प्राइवेट कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स में आईटी मैनेजर, और 45 वर्ष आयु है। गुरुदत्त जी का बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ साहित्य, मेरे क्या बात पिताजी के समय से बहुत ज्यादा बुक्स उनकी घर में मौजूद है। मैं समझता हूँ 4-5 बुक्स छोड़ के लगभग सारी। मैं ये कहना चाह रहा था कि बुक बुक वक्ता रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर अगर करके। हमारे पास तो एक मुख्य वक्ता ही है, रविशंकर जी। मैंने तो जब बीए में था तब, जब 35 साल पुरानी बातें, तब 2-3 जो उपन्यास पढ़े थे, उस अवस्था में पढ़ने का जो शौक था उस वजह से पढ़े थे, लेकिन वो संस्कार शेष था और वही मुझे भीतर ही भीतर कुरेद रहा था, जो आज जाके बहुत शुभ दिन में जो है वो सफल हुआ और
मैडम विजय ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज प्रसाद सरस्वती भगवती का हमें मिला है कि इतना अधिकृत विद्वान और इतनी स्पष्टता और सटीकता के साथ उन्होंने जिस तरह से रखा, ये निश्चित रूप से हमारे लिए उपलब्धि की बात है। और पुनीत जी, अगर आपका हमें पता होता तो निश्चित रूप से आपसे भी हम बुलवाते, और निश्चित रूप से अगर ऐसा संभव है तो मैं चाहूंगा कि एक वक्तव्य आप भी उनके कोई दो तीन चार उपन्यासों को आप ले लीजिए, या कुछ एक विचार पक्ष का जो उन्होंने लिखा है, चाहे वो वैदिक संस्कृति को लेकर के लिखा है या अन्य विषयों को लेकर लिखा है, तो आप ले लीजिए। उसके ऊपर जरूर एक वक्तव्य चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपना नरेटिव नहीं विकसित करेंगे तो हम जो स्थापित इस वक्त प्रचलित और चालू किस्म का नरेटिव है, जिससे सभी लोग अपना समय यापन कर रहे हैं, उसको चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो मुझे बड़ा इसमें आप एक पुस्तक चर्चा का क्रम चला सकते हैं, सिलसिला चला सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और ऐसी पुस्तकें जैसे वैदिक गुरुदत्त की पुस्तकें हैं, सैया सुतामी की हैं, और जी जी पुस्तकों के बहाने उन पर चर्चा बहुत आराम से हुई। और पुस्तक चर्चा करने से ये होगा कि उस पुस्तक की जानकारी मिलेगी, पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जी 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 जरूर। तो आपने मतलब जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं वो सारी ले ही दी, कवर कर दी जी। और मतलब बिल्कुल सटीक है ये भी शब्द, मतलब ऐसा नहीं था जो उनको वर्णन नहीं करता है। बुद्ध जी की पूरा जीवन जो है वो वर्णन करा आप जी। एक पंक्ति जो मैं साझी आप लोगों के साथ बीच में करना चाहता हूँ, मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप जी जो मास कम्युनिकेशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यापक है, उन्होंने गुरुदत्त जी के लिए ये पंक्तियां किसी शायर की उन्होंने हमारे साथ साझी की हैं। और जी आवाज नहीं आ रही। ओके अब आ रही जी, अब आ रही मैम। ओके ओके। तो हमारे साथ प्रदीप जी ने पंक्तियां साझी की हैं, मैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आप पढ़कर सुनाते, मैंने कहा था कि आप खुद ही सुना दें, लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए और वो चाहते हैं कि उनके व्यवहार को सही चित्रित करने के लिए ये सुनाई जाए। नाम था अपना, पता भी, दर्द भी, एहसास भी, हमेशा दूसरों के मार्फत समझे गए, पर वक्त की दीवार पर पैगंबरों के लफ्ज भी वक्त की दीवार पे बेख्याली में घसीटे दस्तक समझे गए। तो ये उन्होंने अपनी ओर से एक तरह का उनके प्रति अपना सम्मान अभिव्यक्त किया है किसी शायर के शेर के माध्यम से। तो प्रदीप जी की मैंने बात आप लोगों के साझे की, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई बात कहना चाहता है तो अपना जी 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 जो भी आप में से कहना चाहता है, फिर हम इसको समाप्ति की ओर अग्रसर करेंगे। डॉक्टर आनंद जी पूना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीच में स्वर्ण बाला जी और नमस्ते जी, मैं जगवीर सिंह मान बोल रहा हूँ। जी जी जगवीर जी, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और अभी रिटायर हुआ हूँ, एनटीपीसी में इंजीनियर था। जी जी। अभी मैं करंटली तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अच्छा। लेकिन मैं मेरा पूरा जो जीवन है वो उन पे आधारित है। मैं इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से उनकी लगभग सब सब किताबें पढ़ी। क्या बात है। थाना प्लेस में वो जब दुकान थी तब थे, अभी करोलबाग में, वहां से भी मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ उनकी बुक्स। अच्छा। तो उनका जो है, जैसे अभी हमारे वक्ता जी ने बताया, तार्किक समालोचना। जैसे आज का माहौल हो गया कि हम जो है किसी बात को तर्क के आधार पर नहीं करते, बस उसका दूसरा एंगल लेके गाली गलौज पे उतर आते हैं। जैसे अभी रवि जी ने बताया, उन्होंने आलोचना की तो बात पे की है, उनके दूसरे पक्षों को ना लेके जिस बात की समालोचना करनी है उसके उनके तर्क और अपने तर्क लेके किया है जी। तो उसका अभाव होता जा रहा है, इसलिए हम उसकी आज के टाइम में जो है उसकी महत्ता और बढ़ जाती है कि कैसे हम अपनी बात को, अपने पक्ष को पुष्ट करें।
जी इसका वो जो है उनका अध्ययन जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो जो है आएगा नहीं। हमने पढ़े जैसे क्या हम कहना तो बहुत आसान है कि किसी ने उनको हटा दिया, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी में उनको पढ़ने की वो दे पाए? सिर्फ उनको ही नहीं किसी भी साहित्यकार को पढ़ने की वो हमने खोई दी क्योंकि इंग्लिश के पीछे हम लग गए। जी दूसरा क्या है उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक उस पे तो लिखा ही लेकिन वो अंधविश्वास और पाखंड के भी उतने ही प्रखरता से उन्होंने विरोध जी किया ठीक ताकि समाज में वैज्ञानिक क्योंकि वो एमएससी उस समय केमिस्ट्री थे उन्होंने वैदक भी पढ़ा साइंस भी पढ़ा उनके वेद विज्ञान है साइंस और साइंस विज्ञान और साइंस उनका दोनों का विश्लेषण भी है। तो उन्होंने तार्किक आधार पर जो चीजें सही हैं उनको ग्रहण करें ना कि हम एक तुक्के के आधार पर कुछ भी बात कहें बिना उसके आधार पे और हम अपनी बात कह रहे वो नहीं। अब तर्क के आधार पर हम जो है अपनी बात को अंधविश्वासों को हटाते हुए तार्किक समाज की रचना करें और समालोचना का सहन करें और समालोचना की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा उत्साहित करें तो मैं समझता हूँ उनका ये सार्थक रहेगा उनका याद करना। और मैं तो सचमुच में उनका बहुत आभारी हूँ कि जी उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी और उनसे ही मेरा जो आज तक का जो जीवन बना है उनके आधार पर बना। साथ में ये मेरे को लिंक मिला था हिंदी साहित्य सदन उनके पोत्र से मैं मिलता रहता हूँ उनके बाय चांस मिल गया था और आज ही मैंने देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने चर्चा की इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगवीर जी, और बड़ी प्रसन्नता हाँ और बिल्कुल सुख आपने ठीक कहा मैंने ही उनको ये लिंक भेजा था जी जी योगेंद्र अच्छा दत्त जी को उनसे हाँ बात बड़ी करना था मैंने उन्होंने उन्होंने मेरे को भेजा उनसे मैं मिलता रहता हूँ उनसे बुक्स लेके मैं अलग अलग मैं तो हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में रहा रायबरेली में उत्तर प्रदेश में रहा बिहार तो सब जी जगह पे मैं उनकी बुक्स का सेट जो है रखता हूँ। वैदिक उन्नति की विज्ञान दृष्टि पे अलग से चर्चा हो सकती है। मैंने विकासवाद का जो खंडन किया है वो सृष्टि बिल्कुल रचना है उनका फिर खंडन है किशोर साहित्य है और सृष्टि रचना पर जो उन्होंने लिखा है वो बहुत जबरदस्त है। मैंने जो बहुत अच्छा उपनिषदों है की या उपनिषदों की जो मुझे लगता रचना है है उसमें डॉक्टर साहब, उनके जो वैचारिक पक्ष है, उपन्यासों को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वैचारिक जो पक्ष हैं, जो वैचारिक निबंध और जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उसके ऊपर जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। और एक चीज के लिए मैं मुझे बड़ी इस वक्त आश्चर्य हो रहा है कि आर्य समाजियों ने कभी इस इनको क्यों नहीं सामने लाए, वो क्यों नहीं इनका समर्थन खुल के किया, जबकि आर्य समाज का हिंदी को बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी दयानंद ने नहीं तो आर्य हिंदी को समाज ने किया संस्थापित है लेकिन थोड़ा कम इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने हिंदू शब्द को लेकर के काफी ये किया था आग्रह किया कि हिंदू शब्द ठीक है। और मैंने कहा था कि वैदिक गुरुदत्त एक मौलिक चिंतक थे वो जी इस बात की चिंता नहीं करते थे कि कोई संगठन क्या सोचेगा नहीं जी तो वो भाजपा में जिस पद पे थे या वो जनसंघ में वो कालांतर में उनका देहांत 89 में हुआ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकते थे अच्छी स्थिति में जा हाँ सकते थे भाजपा के बिल्कुल सहयोग में बिल्कुल संघ का सहयोग मिल सकता था लेकिन उन्होंने दीनदयाल जी का विरोध किया और डट कर विरोध किया केवल एक बात पे गांधीवादी समाजवाद उनको समाजवाद पसंद नहीं था। उसी जी तरह उन्होंने आर्य समाज में रहते हुए भी जो हिंदू शब्द का आग्रह किया तो वर्तमान दुर्व्यवस्था का समाधान हिंदू राष्ट्र मैं हिंदुत्व की यात्रा और मैं हिंदू हूँ ऐसी तीन पुस्तकें उनकी हैं जी जो हिंदू शब्द को व्याख्यायित करती है उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। तो जी संगठनों के सीमा से बाहर के जो ऋषि सत्ता होती है ना देश की वैसी तो ऋषि सत्ता थे इसीलिए कोई संगठन उसके पीछे ऊपर उस ढंग से खड़ा नहीं होगा ना होगा लेकिन ना उनके साहित्य में वो ये ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा विश्लेषण है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन उन लोगों को, संगठनों को ये समझना चाहिए था, नहीं तो जो बाकी लॉबीज हैं हिंदी में जिस तरह की उठ करके आई हुई, ये कॉम्युनिस्ट लॉबी सबसे बड़ी तो रही है उन्होंने जिस तरह से उसके ऊपर आधिपत्य हिंदी पे कर लिया और हिंदी का जिस तरह की भाषा उन्होंने विकसित कर दी है, चला दी है चालू पने वाली, वो उसका बड़ा नुकसान हुआ हमारी मानसिकता, हमारे आने वाली जनरेशन का बहुत उन्होंने गहरा नुकसान आघात किया है, तो इस बात को समझना चाहिए। लेकिन चलिए फिर कभी सही
और एक बात मैं और रखना चाहूंगा, जी सर, कोई सत्ता जो है वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कभी भी मौलिक चिंतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो जनता को ही, जो ऋषियों का साथ कौन देता था, जनता ही देती थी ना, जनता उनके कमांड को मानती थी। अभी जी जनता जो है ऋषि की बात को अपने एक मीडिएटर के थ्रू सुनना चाहती है, वो जी राजनीतिक गुरु पढ़ाते हो या धार्मिक गुरु पढ़ाते हो या आर्थिक गुरु पढ़ाते हो, तो वो बायस्ड वो इन्फॉर्मेशन चाहती है, जी इसलिए जो है वो मौलिक चिंतन नहीं रहा। दूसरी बात जो हिंदू शब्द पर है, स्वामी सदानंद जी ने तो 1930 में लिखा था हिंदू संगठन, तो ऐसा जी नहीं कि आर्य समाज हिंदू शब्द से वो करता था। जी स्वामी विद्यानंद विदेश जी ने भी इस पे काफी वो किया। कोई भी सत्ता, वो जब सत्ता जब संगठन बन जाता है ना, तो मौलिक चिंतन को नहीं सहन कर पाता, सही तो कर, इसलिए सभी संगठनों ने ऐसा किया है। जी, चलिए कोई नहीं, इस पे फिर चर्चा करेंगे और नमस्कार, जल्दी ही। मैं कुछ जी बात करूं आशुतोष जी। हाँ जरूर मैडम विजय, अगर फीडबैक है फॉर्म तो प्लीज शेयर कर दीजिए, बार बार मैसेज आए। हमने वैसे नहीं बनाया था, मैं 1 मिनट में बना के भेज रही हूँ सर, बस जैसे ही आप बात करते तरह मैं भेज दूंगी, बना हाँ दूंगी। जी, हाँ नमस्कार, हाँ आनंद जी मुझे अपना परिचय पहले दीजिए क्योंकि बड़ा अच्छा। मैं जी एंशियंट विजडम इस विषय में रिसर्च करता हूँ, उसमें कल्चर भी आ जाता है या संस्कृति का भी रिसर्च होता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, पर जब स्कूल में पढ़ी थी तब मुंशी प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर यही तक हम लोग सीमित रहे, हम लोगों ने कोई पाठ नहीं पढ़ा वैद्य वैद्य गुरुदत्त के बारे में, या उनकी कोई रचना हमारे सिलेबस में नहीं, ना कि उनकी थी ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। तो उसका कारण आज समझ में आ रहा है, और इसके आगे जाके जरूर मैं पढ़ूंगा ये उपन्यास आपने जो बताया, बहुत ही सटीक बातें की आपने। और मुझे ये लगता है कि जैसे बोला गया है, सत्ता में जो भी हो उसको जो भी चैलेंज करेगा उसके उसकी उसकी रचनाएं सिलेबस में ना होना ये स्वाभाविक बात है, मगर इसीलिए उस रचना जी को पढ़ना और उसके ऊपर विचार करना जी ये अपना कर्तव्य बनता है। जी नमस्कार। हाँ एक जानकारी और दे दूँ, वैदिक गुरुदत्त ने कुछ कहानियां भी लिखी, कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित है, हाँ जी हाँ, वो तो वो देखा मैंने। कहानियां भी पढ़ी जा सकती, बहुत अच्छी कहानियां हैं, छोटी छोटी। हमने भारतीय धरोहर में उनसे अनुमति लेकर, साहित्य साहित्य संरक्षण के पोते से अनुमति लेकर कुछ कहानियां प्रकाशित की थी भारतीय धरोहर में, वो वहां की वेबसाइट से भी देखी जा सकती। जी रवि जी, मैं जरूर चाहूंगा कि क्योंकि हमारे साथ कई इस तरह के बहुत रुचि रखने वाले और विचार के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो आनंद दुरहिये जी को के साथ आप संपर्क में जरूर आएं, उनके साथ जरूर चर्चा करें, वो बड़े निष्ठावान आग्रही भारतीयता के प्रति आग्रह रखने वाले हैं। साझा जी, मैं बिल्कुल उनका कर देंगे। बताऊं वैदिक गुरुदत्त का प्रभाव पर एक और उदाहरण दे देता हूँ। पिछले वर्ष मेरा एक व्याख्यान वैदिक गुरुदत्त पर हुआ था यंग थिंकर्स फोरम के, और वहां उस व्याख्यान के बाद मुझे मध्य प्रदेश से एक फोन आया, जी और उन्होंने कहा कि मैं जो जमाना बदल गया, मैं राम रखामल का चरित्र वैदिक गुरुदत्त ने रचा, मैं बिल्कुल वैसा ही जीवन जीता हूँ, जैसा जी जीवन राम रखा मल ने दिया है मैं आज तक वैसा ही जीता हूँ। ये जी ऐसा प्रभाव वैदिक गुरुदत्त के साहित्य का है, मुझे नहीं लगता भारतवर्ष का कोई भी साहित्यकार तो क्या उपलब्धि प्राप्त है उसके लिखे चरित्रों के आधार पर लोग जीवन जीने का प्रयास किया जी है। मेरे भी जीवन पे जो उन्होंने दो लहरों की टक्कर में नलिनी कांत का चरित्र गढ़ा है, पढ़ने लायक है, बहुत प्रभाव है। मुझे लगता है कि यदि मैं 20 और 30 में वैसा बनना चाहूंगा जो नलिनी कांत, ये जी चरित्र उन्होंने जो चरित्र गढ़े वो उसने अब मानस पे इतना प्रभाव किया है कि लोग वैसा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत खूब, तो चलिए तब तक मैडम लिंक शेयर कर रही हैं आप लोगों के साथ, और बाकी अगर आप में से कोई कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी या हजारी प्रसाद द्विवेदी पे कोई बोलने वाले भी मिले तो मैं जरूर चाहूंगा कि उनसे हमारा जरूर संपर्क करवाएं, और आप लोग भी हमारे संपर्क में रहें, पुनीत जी, जगबीर जी और भी जितने लोग, कांता जगलान जी और बीच में और भी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, तो थोड़ा सा अगर संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से
हम हिंदी को जो जकड़ दिया गया है, एक दबाव से जो ग्रसित हो गई है, उसको हम आज सरस्वती के दिन उसको बिल्कुल उस तरह से सुप्रकाशित कर पाएंगे जिस तरह से सूर्य खिलता है। तो मैं ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इस तरह से बहुत सारे दबावों से हिंदी को मुक्त करके बिल्कुल एक स्वस्थ हिंदी की संस्कृति का जो है वो विकास हो हेलो पाएगा। जी आशुतोष जी, इस बारे में एक जानकारी दूं कि जी जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे आज हिंदी के बारे में आप हम लोग बोल रहे हैं, मगर जी तमिल ये जो भाषा है वो हिंदी से बहुत जुड़ी हुई है, हिंदी ही है, सिर्फ उसकी लिपि अलग होने से वो अपने को अलग दिखाई देती है। और जैसे अंग्रेजों ने अपने भाषाओं का स्ट्रेटिफिकेशन किया, इंडो द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, जी इसलिए संस्कृत तमिल से काफी दूर चली गई। और आज भी बीबी को या पत्नी को संस्कृत, पत्नी को तमिल में संसारम कहा जाता है, संसार, क्या बात है, जैसे मराठी में कितना कसबा भी उपयुक्त, बोला जाता है, द वन हु लुक्स आफ्टर द फैमिली, हाँ कितना उपयुक्त एंड इन शब्द केस है। ऑफ तमिल द वन हु इज द यूनिवर्स। और बिल्कुल ऐसे कई शब्द हिंदी में, कई शब्द मराठी तमिल में है कि जो ऑलमोस्ट हिंदी है, मगर बिकॉज ऑफ द लिपि अलग होने से हम लोग को समझ में नहीं आते। तो हम लोग लिपि, और इस मामले में मैं एक बात जोड़ू आपके, तो आचार्य रघुवीर ने इस पे बहुत काम किया था, और आचार्य रघुवीर ने इस बात को इंगित किया था कि दक्षिण भारत की भाषाओं में 60% सब संस्कृत से हैं, तमिल भी इसमें शामिल है, 60%, केवल एक दो नहीं, 60% वर्ड्स जो है उसके हैं। दूसरा, लिपि की साम्यता बताऊं मैं आपको, पूरे भारतवर्ष की जो मूल लिपि रही वो देवनागरी कभी नहीं रही, ब्राह्मी लिपि थी, और तमिल लिपि भी जो है ब्राह्मी लिपि की लिपि है। तो यदि आप ब्राह्मी लिपि को पकड़ लेंगे तो तमिल लिपि की भी पकड़ वही थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी लेकिन बीच में सोनकर जी ने अपना हाथ उठाया है। हेलो जी जी सोनकर जी, सर, मैं संदीप लिया। अच्छा संदीप जी, डॉक्टर संदीप जी। हाँ जी हाँ नहीं कहना चाह रहा था सर, ये मतलब जो है ना, जैसे ये हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हिंदी डिपार्टमेंट है। चलिए हाँ बात करें उसके बारे में, मुझे घटना स्मरण हो आई। इतना सा ही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो मतलब ये प्रबुद्ध विद्वान विद्वजन जो थे, चाहे राजमणि जी थे चाहे लालचंद जी थे, जी मेरा गौतम मैडम रही, हाँ मैं समझ वो गया सब जो है ना सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी जी लेकिन वो मतलब ऐसा आधिपत्य हमारे ऊपर जमाए हुए है, हम सब सर्वोपरि है। डॉक्टर मैं बात बिल्कुल समझ गया, आपने जैसे ही नाम लिया ना चलिए ये तो ऐसा हो सकता है नहीं नहीं ठीक है वो हम आपने मतलब जिन जिन लोगों की गुरुदत्त के बारे में आप बात कर रहे हो उनके जी ऊपर हम रिसर्च करवाएं। सर रिसर्च का ये है कि मैं एक बार कुरुक्षेत्र हिंदी विभाग में किसी सज्जन के साथ एक बार ही गया, और वहां पर लालचंद जी ही थे उस वक्त अध्यक्ष, और उन्होंने उस वक्त मेरे मतलब मैं भी उनका प्रिय रहा हूँ और वो मेरे प्रिय रही। हाँ लेकिन ये बात बड़ी विचित्र बिल्कुल थी कि उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया उस वक्त, जो मेरे साथ सज्जन थे हमारे विभाग से ही संबंधित थे, कि मैंने तुम्हारी ही पुस्तकों पे कहा, वो विद्यार्थी मेरे पास आया था और वो शोध किसी अन्य विषय पे करना चाहता था कोई, लेकिन कहता है, नहीं नहीं वो, आप चिंता ही ना करो वो आपके ऊपर ही करेगा, कैसे ऐसे हमारे से बिना पूछे कैसे कर सकता है। तो ऐसे हिंदी की हमने हत्या की है, हिंदी के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान है ना, वो हिंदी के ऊपर चढ़ के बैठ गए और हिंदी का उन्होंने गर्दन घोंट दी वो खुले नहीं। तो बहुत उसके बाद मैं कभी नहीं गया, मैं हिंदी विभाग में की ओर मैंने कभी मुंह ही नहीं किया कि अगर ऐसी मानसिकता है। हमारे मतलब यहाँ बड़े बड़े नाम लिए जाते भी, हमारे हाँ यहाँ सनातन धर्म कॉलेज से संसार चंद जैसे हाँ
हरिश्चंद्र वर्मा जैसे इतने प्रबुद्ध विद्वान हुए हैं, लेकिन उनका कहीं उल्लेख नहीं आता, इसीलिए नहीं आता ना, क्योंकि सर वो लॉबीज बन गई ना, ये लॉबीज थी जिन्होंने एक दूसरे को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार देने तो कोई तो कवायद होगी ना। चलो उस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, आज तो अपनी बस मैं इंतजार कर रहा था कि मैडम विजय ने अगर वो बस आ रहा है अभी पेस्ट कर देती हूँ उसमें चैट बॉक्स में, और अगली श्रृंखला का रवीश सर अभी से हम चर्चा का रख लेते हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं डालना चाहते मैडम। आ रहे मैम जी जी संदीप जी आप हो जी संदीप या सर यू है मैं हूँ, हम गाड़ी बन सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कल के यार बच्चे मतलब हमारे पढ़ाए बच्चे मान ले वहाँ डिपार्टमेंट में लग गए वो हमारे ऊपर मतलब सर पर बैठे ना। नहीं नहीं वो मैं संदीप जी ये अलग विषय है, इसको अच्छे अच्छे पुस्तकों पर अच्छे लेखकों पर को हमें अच्छे पुस्तकों होना चाहिए अगर हम चर्चा करेंगे ये सामने आएंगे नए बच्चों के। चलिए इसको इस चर्चा को तो हम फिर दोबारा किसी वक्त लेंगे कि क्या सुधार अपेक्षित हैं, लेकिन अच्छा अच्छा इंग्लिश में भेज रही हूँ। हाँ हाँ भेज दीजिए भेज दीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाकी सब बहुत सारे आयाम आपने खोले, बातें अच्छे विचार आए, जो लोग पढ़ते हैं वो कितने अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, अपने चरित्र में उनका अनुकरण कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने हमने कम पढ़ा है एक एक दो उपन्यास मैंने भी पढ़ा है वही सब की तरह की बचपन में नाम सुना था गुरुदत्त जी का, बहुत नाम था पर उसके अपने सामने नहीं आई, ये क्या ऑनलाइन हमें कोई ऐसा रीलिंग मिल जाएगा सर कोई कि हम पुस्तक ऑनलाइन जो है इनका हिंदी साहित्य सदन से मंगवा सकते हैं, मैं लिख भेज दूंगा। हाँ सर वो लिंक आप चैट बॉक्स में भेज देंगे मेरी तरह और क्या होंगे सर को हो जाएंगे यहाँ चैट बॉक्स में भी मैं नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं बाद में आशुतोष जी को भेज दूंगा वहाँ से आप लोग सबको चला जाएगा। ठीक है सर ठीक है वो हम जरूर जाएंगे, और हमारी बहुत सारी संदीप ने भी कही कि ये जब चर्चा होती है और हमारे सामने बहुत आयाम खुलते हैं और नई चीजें हमारे सामने आते जो हैं पुराने हैं लेकिन हम नहीं उनके बारे में ज्यादा जान सके, और जब हम नहीं जानते तो हमारे विद्यार्थी भी क्या जानते होंगे, तो बहुत अच्छी तरह से इस क्रम को हम चलाएं और चर्चा भी करें उनकी पुस्तकों पर, क्योंकि सारे उपन्यास जैसे सर ने बताया कि इतने खंडों में है और इतने बड़े उपन्यास है तो आप उसको शायद इतने अच्छे से ना पढ़ पाए, तो हम उन पर चर्चा सर के माध्यम से ही करेंगे। आशुतोष जी रविशंकर जी से वो चर्चा आप अपना समय निर्धारित कीजिएगा, हम जरूर उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो आज के इस वेबिनार का बहुत अच्छा जो परिणाम है वो ये है कि हमें एक नई वो जो है विचारधारा मिली है और हम एक अच्छे उस पर काम कर सकते हैं, तो मैं लिंक आपको भेज रही हूँ इस पर और जिनको मैडम स्वर्ण बाला जी ने आपको लिंक भेजा है। मैम स्वर्ण बाला जी आप अपना जरा परिचय देंगे आप अपने को अनम्यूट करके। स्वर्ण बाला जी गंगा मंडल से जुड़ी हुई है वही है क्या? मैं नहीं जानता, लिंक मैडम ने शेयर कर दिया है, आप लोग लिंक भर सकते हैं। मैडम स्वर्ण जी क्योंकि बीच में मैंने आपकी दो एक टिप्पणियां देखी। अच्छा माइक नॉट वर्किंग, अच्छा अगर आप जानते हैं उनके विषय में तो आप बता दीजिए कहाँ पर हैं। सर वो मेरी माता जी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए उनको हम प्रणाम करते हैं कि उनकी मैं तो सजगता देख करके मैं आश्चर्यचकित था, इसलिए मेरी रुचि रुचि उत्पन्न हुई कि भाई अच्छा 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 शुरू से रुचि का साहित्य मतलब दूध के साथ उन्हें मैंने उनसे लिया। अच्छा कांता जी प्लीज अपना शेयर मत कीजिए। रंजना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं
साथ साथ फॉर्म भी भर लीजिए, और अगर कोई जी जी हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते, मैं गुरुदेव जी की पौत्री बोल रही हूँ और मेरे अरे वाह, आप तो पहले प्रणाम स्वीकार करें, आप हम सबका प्रणाम स्वीकार करें, मैं तो आपने तो मुझे हाँ मेरे को बहुत सारे साहित्यकार आप सब लग रहे हैं, जो उन्होंने बोला है आपका रवि जी ने, बहुत ही अच्छा लगा है कि बहुत ही सटीक जानकारी उनके पास है। आज तो हम तो धन्य हो गए आज रवि जी, ये तो हो गई कि इतने समय के बाद उनके बारे में कुछ सुनने को मिला है, हमारे तो सच कान तरस गए, बचपन से उनको देखा है कि जिस अपने मौलिक विचारों के साथ वो हमारे सामने रखते थे अपने, और वो सही है कि इसी विचारों के कारण उनका कहीं पर सम्मान वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है, बाकी तो सब कालजयी चीजें हो गई है, आप लोग उनको उठा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। तो इनका ना भारतीय साहित्य सदन करोल बाग में है उनका ऑफिस जी, मेरा नंबर आप रख लो, किसी को चाहिए हो तो मैं आपको आगे लिंक भेज दूंगी, बाकी अमेज़न से भी किताबें मंगवा सकते हैं उनकी जी जी जी। एक उनको ना उसके ऊपर महाभारत काल के ऊपर बड़ा चर्चित उनका है एक वॉल्यूम, 8-6-7 वॉल्यूम में चलिए, क्योंकि आज आज का दिन बहुत शुभ रहा है, उनका उपन्यास है पर भी उन्होंने लिखा है बहुत। रवि जी, मैडम विजय और पुनीत जी और आदरणीय रंजना जी, मेरी ओर से एक सुझाव है, और ऐसा करते हैं कि एक हम जो पूरा एक वेबिनार दोबारा से गुरुदत्त जी के ऊपर करते हैं, लेकिन उनके विभिन्न पक्षों पर, वैचारिक पक्ष और जो उपन्यास पक्ष है और जो विचार पक्ष है और भी जो उनके सामाजिक सरोकार हैं उनको लेकर के, लेकिन 15-20 मिनट का उस स्पॉन्सरशिप में देख लेता हूँ, ठीक है, और हिंदी विभाग के द्वारा ही हम उसको आयोजित कर लेंगे निकट भविष्य में। तो पुनीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप हो गए, और अगर एक दो हो जाएं जो उनके अलग अलग विषयों को ले लें, तो स्पॉन्सरशिप मैं किसी एकेडमी से देख देता हूँ। डॉक्टर विजय क्या कहती हैं आप? अच्छा बिल्कुल तैयार हैं सर, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हरियाणा ग्रंथ अकादमी से हम स्पॉन्सर करवा लेते हैं, और बहुत जल्दी ही लगभग अगले 10-15 दिन में इस विषय पर जो है उनके विविध जो पक्ष हैं उसके ऊपर एक इसी तरह की लगभग 2-2.5 घंटे की हम संगोष्ठी करते हैं, लेकिन 15-20 मिनट जो है वो उनके अलग अलग पक्षों के ऊपर बातचीत हो जाए अलग अलग वक्ताओं के द्वारा। तो चलिए, आज का दिन बहुत सफल रहा सचमुच, आज सरस्वती की हमारे ऊपर कृपा हो गई, और साथ ही साथ आज हमने वीर बालक हकीकत राय को अपना प्रणाम, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है कि धर्म रक्षा के लिए उसने अपना बलिदान जिस तरह से किया है वो हम सब के लिए जो है वो प्रेरणास्पद है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हिंदी विभाग की ओर से, हिंदी साहित्य परिषद की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों ने समय दिया, हमारा हमारे साथ ज्ञान चर्चा की, विचार चर्चा की, आप सबका पुनः धन्यवाद। तो आप सभी लोग जो हैं वो मीटिंग जिस वक्त भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं यदि फॉर्म भर लिया है, और हमें जो है आप अपना संपर्क सूत्र डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि जितनी भी भविष्य की जितनी भी चर्चाएँ होंगी उसकी सूचना आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, धन्यवाद।